कुछ भी नहीं, आप है, आप सब कुछ है, इसकी शरह पूछिए। अरे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे मौजूद है? ये गैरों से दिल मत लगाओ, गैरुल्लाह से। माँ बाप गैरुल्लाह नहीं है, पीर गैरुल्लाह नहीं है, उस्ताद गैरुल्लाह नहीं है, बैतुल्लाह गैरुल्लाह नहीं है। जो चीज हमें अल्लाह तक पहुँचाते वो गैरुल्लाह ही नहीं है। जो हमें अल्लाह से दूर करते वो है गैरुल्लाह। हजरत हामिद रहमतुल्लाह ने हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि मैं हाजिरी देना चाहता हूँ, फरमाया आ जाइए। जब देखा तो वहां मुसल्ले पर तस्वीर, अर्ज किया हजरत हाजी साहब से हकीम उम्र ने कि हजरत मैं आपकी ये मुखिल हुआ, आपकी खलबत में मुझसे मैं मुखिल हो गया। फरमाया खलबत अजा रियाद ना अजिया, खलबत गैरों से होती है, रियादों से नहीं होती। बस इसी में है, आप है, आप सब कुछ अल्लाह काफी है अपने बंदों के लिए, तमाम उम्र के लिए, उसी से दिल लगाओ, सब आवाजें आ जाएंगी। चल जिसको जिस चीज का शौक है, जब वो मौलाए, जब वो लैलाए कायनात का खालिक है, तो मौलाए कायनात से अगर दोस्ती करोगे तो लैलाए कायनात खुद ही दिल में आ जाएंगी, यानी वो नहीं आएंगी, उनकी सुलझे उनके गाल नहीं आएंगे। मगर जो मजा आता है अल्लाह के नाम में सब कुछ मौजूद है, जो हूरों को पैदा कर सकता है उनके नाम में हूरों की लज्जत मौजूद है। इसलिए हजरत शाहबुल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं अशरफ अली सुनो, जब मैं सजदा करता हूँ तो इतना मजा आता है जैसे अल्लाह ने हमारा प्यार ले लिया, जब मैं सजदा करता हूँ तो मुझको इतना मजा आता है जैसे अल्लाह ताला ने हमारा प्यार ले लिया, और जब मैं तिलावत करता हूँ तो इतना मजा आता है कि अगर तुमको इतना मजा आ जाए तो सीना कपड़े फाल कर जंगलों में चले जाओ। अल्लाह का कलाम है। और फरमाया जब जन्नत में हूरें मेरे पास आएंगी, हूरें, तो मैं हूरों से कहूंगा अरे बीवियो, अरे बीवियो, कुरान सुनना हो तो बैठो, अगर मेरे अल्लाह का कलाम सुनना नहीं चाहती हो तो अपना रास्ता लो। ये क्या होगा है, यह वही है कि अल्लाह के नाम से एक मौलवी साहब से हजरत शाह साहब ने फरमाया कि मौलाना अल्लाह के माने बताओ, अल्लाह के क्या माने? मौलाना ने कहा कि मैं अल्लाह के माने नहीं जानता। फरमाया सुनो, अल्लाह के माने मन मोहन, जो दिल को आशिक पागल कर, जो दिल को पागल कर,